बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिज़ रॉयल हाइनेस प्रिंस खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वेलकम टू पाकिस्तान। जनाब मोहम्मद शहबाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़रा अराकीन पार्लियामेंट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्ला अफवाज के सरबरान, परेड कमांडर, मेरे अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज का दिन हमारे लिए कौमी अहमियत की अमल है। इस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूर अंदेश क़यादत में 7 साल के बाद एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत अमल में कायम की। आज हम आज़ादी के राह में कुर्बानी देने वाले कायदीन, शोदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के तामीर और तरक्की और सलामती को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखेंगे। पाकिस्तानी कौम क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक मुख्तलफ नशब फराज से गुजरी है। इस दौरान हमने बहुत मुश्किलात के बावजूद दिफाई, सनती, ज़रात, तालीम, सेहत, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मुख्तलिफ सूबों से सूबों में तरक्की की मंजिलें तय की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफा एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं और हमारे बहादुर मुसल्ला अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं। दुनिया की कौमें अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे बेहतरीन किरदार और कुर्बानी को मानती है। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज, तैलीम, सेहत की मसाइल, बेरोज़गारी और गुर्बत बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में इंतखाब अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इन तमाम मुश्किलों को मिलकर हल निकालें। मेरा ईमान है कि जिस तरह माजी में हमने मुश्किलातों का मुकाबला किया, इसी तरह हम आज भी पाकिस्तान को इस चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम मेहनती और ज़हीन है। नौजवान अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल के अमीन हैं। ख्वातीन और हजरात, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। इस मंसूबे के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट
एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, मिनरल्स, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में तरक्की लाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा मुल्क की इकॉनमी के लिए मुस्बत साबित होगा। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन आर रीजन वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर इंस्टेबिलिटी इज द इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द कश्मीरी पीपल हैव बीन डिमांडिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर 76 ईयर्स। We condemn the brutalities, human rights violation carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people, and ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in the just struggle against Trinity. With regards to humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is opened at priority. Pakistan will continue to support the people of Palestine till the resolution of Palestine issue as per their aspiration of their people. Pakistan wants relations with all our neighbors. We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. Today's parade is a reminder of our unity, strength, and pride. Khawateen aur hazrat, hum is mauke par China, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, aur digar dost mumalik ko shukriya ada karte hain ki unhone mushkil कि हर घड़ी में हमारा साथ दिया। आखिर में मैं इस शानदार परेड पर परेड कमांडर को और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं। मैं तमाम अफसरान और जवानों के अज़म और हौसले की दाद देता हूं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।